जय हिंद बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद कैपेसिटेंस में जाएंगे। तो सारे न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ना, सारे थ्योरीज को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही थ्योरीज जो हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की बात करें या नीट जेई के एग्जाम की बात करें। तो सभी जगह यहाँ से सवाल पूछे आते हैं, तो ध्यान से पढ़ें एंड लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर अपने दोस्तों को चाहें तो उन्हें भी बता दें, उन्हें भी शेयर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। ध्यान से सुनते हैं, ये और ग्रेविटेशन बहुत सिमिलर सा है। अगर आपको ग्रेविटेशन अच्छे से याद है, अगर आपको ग्रेविटेशन अच्छे से याद है तो ये टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ग्रेविटेशन में हम लोग क्या किए थे, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। हम लोग ग्रेविटेशन में देखे थे कि कुछ एनर्जी की बातें भी वहां पर हम लोग किए थे, और वो बात था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात किए। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। कैसा है वापस से याद करो, थोड़ा सा मैं वापस आपको रिवाइंड करा रहा हूँ। मान लो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को उठा रहे थे, तो इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइम पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो था mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो था एक्सटर्नल फोर्स, जो कि आप एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे थे। ये था हमारे लिए वर्क डन, ये था हमारे लिए वर्क डन, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और वर्क डन को हम लोग ने बोला था कि क्या है, ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक याद है। बस वही बात हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं, उसी टाइप का। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, तो उसकी बात करें तो हम लोग लिखते हैं, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू bring a charge from infinite to a particular point in the electric field of other charge, ठीक है। इसका डेफिनेशन को समझे, क्या बोला कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी चार्ज को अगर आप कहां से लेकर आते हैं, इनफाइनाइट से लेकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है हमारा, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। हम लोग यहां से, आप मान लो यहां पे हम लोगों ने क्या रखा है कि सपोज यहां हम लोगों ने रख दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज ही रखा, तो इन दोनों पे फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। अगर एक्सलरेशन को जीरो बनाना है तो एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। तो हम जो इसको लेकर आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेकर आए हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आना है। तो मान लीजिए कि यहां पर जो पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे इसका डिस्टेंस है एक्स, तो अगर दोनों के लिए बीच में चार्जेस देखा जाए तो ये क्यू वन है, ये क्यू टू है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, क्यू वन के कारण है। चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं, क्यू टू को लेकर आ रहे हैं। तो आप अगर वर्क डन लिखें बेटा तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे के टाइम्स ऑफ क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू टू, है ना, आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि आर्बिट्री डिस्टेंस एक्स लिया है, इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक लेकर आना बेटा, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, तो लिखा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन।
Q1 Q2 बाहर निकल गए, ये आया हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है इनफाइनाइट से लेकर आर, तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया k टाइम्स ऑफ q1 इनटू q2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है -1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट से लेकर आर तक, ठीक है। तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया k टाइम्स ऑफ q1 इनटू q2, यहां पे हम लोगों ने रखा तो माइनस कितना आया 1/r आ गया। तो हमारे पास वर्क डन कितना हुआ, ये हुआ है k टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन -1/r, ये हो गया क्या हमारे पास वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक और बात कि हम लोग जानते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, याद करो ग्रेविटेशन के लिए हम लोग जो लिए थे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस के टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन आर लिख लिए, ठीक। एक बात नोटिस किया गया बेटा कि अभी जो हम लोग वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे तो क्या था, यहां पे हम लोगों ने लिखा था क्यू बाहर है, ई डी आर था या डी एक्स था जो भी था, है ना, डी आर या डी एक्स। अब मतलब चार्ज बदलते जाओ, क्यू की वैल्यू आप चेंज करते जाओ इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखा गया क्या कि एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन तो अलग अलग आ रहा, जैसे जैसे चार्ज अलग अलग हो रहा है वैसे ही वर्क डन अलग अलग आने लगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर फिर एक टर्म को डिफाइन किया, इस बात को डिफाइन करते हुए एक टर्म को डिफाइन किया गया जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ बेटा, ये हुआ डेल्टा वी जो हम लोग बात करते हैं, इसको वी से डिनोट करेंगे डेल्टा वी, इसको हम लोगों ने बोला, इसको हम लोगों ने बोला कितना, ये डेल्टा यू अपॉन क्यू के बराबर। अब देखो यही तो ई डी एक्स के बराबर था ना, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ई डॉट डी एक्स के बराबर भी लिखते थे, ठीक है यहां तक। अब देखो एक और बात नोटिस करना, ये बात तो हम लोग लिख लिए, मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चलो डेफिनेशन भी पहले लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज इन द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। ये तो बहुत भयंकर बात होगी बेटा, सिर्फ दोनों का डेफिनेशन देखो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहां पे चार्ज था, यहां पर यूनिट चार्ज है। अगर मैं डेल्टा वी को बोलूं बेटा तो हमारे पास क्या था, डेल्टा यू का वैल्यू याद करो, वो था माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ q1 इनटू q2 अपॉन आर। अगर मैं q1 या q2 से डिवाइड कर दूं तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, ये हुआ माइनस के टाइम्स q1 या q अपॉन आर के बराबर। दोनों जो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है,
तो ये एक पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें बेटा, तो इसकी यूनिट हम लोग कितना बोल सकते हैं, इसका यूनिट हम लोग बोल सकते हैं जूल पर कूलम्ब बोल सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, उसका यूनिट क्या होता है, जूल। बट जूल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसलिए हम लोग इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक है। वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जब एक चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन को आप एक पोटेंशियल डिफरेंस से लेकर आगे बढ़े। तो अगर इसको हम लोग यूनिट वाइज लिखे तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनटू जूल। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स का क्यूब आई कैप, देन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट या पोटेंशियल इन दैट रीजन, अज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स था। एक्चुअली में थोड़ी देर बाद हम लोग और देखेंगे कि ये होता है ई डॉट डी एक्स माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये माइनस साइन आता है, जो हम लोग कुछ लेक्चर बाद देखेंगे। तो फिलहाल माइनस ई डॉट डी एक्स हम लोग लिख लेते हैं, ई डॉट डी एक्स को देखेंगे। अच्छा, इसको कहां से कहां तक ले जाना, इनफाइनाइट से लेकर कोई पॉइंट एक्स या फिर आर आपकी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट कुछ वैल्यू डिवाइडेड बाई यहां पे है डी एक्स अपॉन एक्स का क्यूब इनफाइनाइट से लेकर एक्स तक। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटीग्रेशन, इसका पावर कितना हो गया, एक्स का पावर माइनस थ्री डी एक्स इनफाइनाइट से लेकर एक्स तक। तो डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा, एक्स का पावर माइनस थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन, यानी माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट की वैल्यू चाहो तो आप पुट कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक रखना है, इनफाइनाइट से लेकर एक्स तक रखना है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास अल्फा डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर के बराबर, ये हो गया हमारा लिमिट रख दो, वन बाई एक्स के वन बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये आंसर बच जाएगा। देख बेटा सवाल क्या बोल रहा है हमारे से, सवाल बोल रहा है यहां पर एक चार्ज है क्यू की वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू दी गई है, कितनी है वो, माइनस दस माइक्रोकुलम। तो अ चार्ज क्यू which is equals to minus 10 microcoulomb is carried along the path, अपने पास कुछ path दिया है OP and then वहां से लेकर गया है OQ, वहां से लेकर गया PQ and then return आया है QO से, QO से return आया है, ठीक है। So in the figure, if the electric field is given as, जो electric field है इस पूरे region में वो दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है वो, x plus 2y i cap है plus 2x j cap, 2x j cap, then find the work done by the agent or by the external agent, कौन कौन से पाथ, op में पूछा है, pq में पूछा है, then qo में पूछा है, तो एक सर्कल कंप्लीट करके ये आ रहा और उसमें अपने को पूछा है, ठीक है। तो हर एक पाथ का सेपरेट सेपरेट निकालना है, बाद में राउंड ट्रिप के लिए भी निकालना है, ऑल राइट। ये है सवाल, देख बेटा सबसे पहले हम लोग कौन सा पाथ के लिए देखते हैं, सबसे पहले पाथ नंबर वन ओपी के लिए देखते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है और ये है, है ना। ओपी पाथ के लिए अगर हम लोग देखें, ओपी पाथ के लिए देखें, तो ओपी पाथ के लिए कौन सा कंपोनेंट हम लोगों को देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन देखना है, क्योंकि वेरी सिर्फ एक्स डायरेक्शन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं।
अगर ex देखना है वो कितना है हमारे पास, x प्लस टू वाई, और ex के लिए देखो बेटा जो लाइन है OP उसके लिए y की वैल्यू कितनी है, जीरो है, क्योंकि वो x एक्सिस में ही सिर्फ जा रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन किसके बराबर है, x के बराबर। ये अपने को पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अगर हमें हमसे वर्क डन पूछा जाए, वर्क डन, यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा, ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बोल रहा है, चलो, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपने को बोला है अगर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटीग्रल ई डॉट डीएक्स लिख सकते हैं, या ई डॉट डीएल लिख सकते हैं, चाहो तो माइनस साइन भी दे सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। या तो आप वर्क डन बाई, एक सेकंड रुक जाओ, क्या वर्क डन बाई एक्सटर्नल, पॉजिटिव भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर खुद ब खुद चला आ जाएगा, आ जाओ। तो वर्क डन अगर हम लोग लिखे W, चाहो तो पॉजिटिव भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है, चार्ज की वैल्यू यहां पर माइनस क्यू देगी है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 माइक्रो कूलम, क्यू की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम, तो ये आ गया ई इंटू डीएक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना था, एक्स इंटू डीएक्स, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टू तक लिख, ठीक है। तो इसको हम लोग रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन जो हम लोग निकाल रहे थे, वर्क डन वो कितना आ गया, वो आया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट भी पुट कर दो, लिमिट भी पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, वो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो यानी टू, ठीक है, इंटू टेन, टू इंटू टेन, इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स जूल के आसपास आ जाएगा, यानी माइनस ये आया कितना, 20 × 10 का पावर माइनस सिक्स जूल ये आया। दूसरा लाइन पे चलते हैं, दूसरे लाइन पे चलते हैं। देखो अब अगर वाई वाले क्यू पी या पी क्यू पे चल जाते हैं हम लोग, पी क्यू पे चलते हैं, तो पी क्यू के लिए कौन सा वेरिएशन है, ई वाई है, ई वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टू इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू उस लाइन पे कितनी है, पी क्यू को अगर देखें तो वो एक्स इज इक्वल टू टू वाला लाइन है, तो वहां पर आप पुट कर दें तो ई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, फोर हो गई, ठीक है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट ही रह गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया, माइनस क्यू इंटू फोर इंटू इंटीग्रेशन डी वाई, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टू तक जाना है अपने को, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, क्यू की वैल्यू भी पुट कर दें, तो ये आ जा रहा है, सिंप्लीफाई करो, 80 माइक्रो, या 80 × 10 का पावर माइनस सिक्स जूल के बराबर आ जाएगा। ये हो जा रहा हमारे पास कितना, सेकेंड का। अब थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो थर्ड का आंसर है वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट के लिए आते हैं, लास्ट पार्ट के लिए आते हैं, हमारे पास क्या था, क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास था एक्स प्लस टू वाई आई कैप, एक्स प्लस टू वाई आई कैप प्लस टू एक्स जे कैप, जे कैप, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। चलो हम लोगों को लिखना है कौन सा पाथ के लिए, क्यू ओ के लिए लिखना। अब यहाँ पर एक्स में भी वेरिएशन है, वाई में भी वेरिएशन है, ठीक है, तो हम लोग अगर इसके लिए वर्क डन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू टाइम्स ऑफ, दोनों वेरिएशन है तो हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स इंटू डी एक्स विथ अ माइनस साइन बाहर में ब्रैकेट के, प्लस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई। अच्छा ये हमारे पास क्या है बेटा, ई एक्स क्या है, ई एक्स है एक्स प्लस टू वाई। अब देखो जब यहां पर पुट करेंगे तो dx के साथ इंटीग्रेट करना है और y की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, बट आप अगर चाहो तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो और समझ जाओगे, ये जो लाइन है हमारा QO के लिए ये कैसा लाइन है, y इज इक्वल टू x वाला लाइन है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो ऐसी बात है, मतलब हम लोग y को और x को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन कितना हो गया, 3x। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई अगर मैं लिखूं तो 2 × y लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अपना आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन आ रहा था, माइनस क्यू को रख दो यहाँ पर, तो माइनस क्यू मिलकर प्लस 10 माइक्रो बन जाएगा, 10 का पावर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल लिमिट है 2 और फाइनल लिमिट हो रहा है 0, फाइनल लिमिट हो रहा है 0, क्योंकि किधर से आ रहा है, क्यू से लेकर ओ तक आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स लिख देते हैं हम लोग, कितना हो गया यहाँ पर 3x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, 2 से लेकर 0 तक लेना है,
इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर हमें कितना लेना है, टू इंटू वाई इंटू डी वाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, टू से लेकर जीरो तक लेना है, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, टेन का पावर चाहो तो टेन इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और लिमिट भी पुट कर दे तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करना है टू से लेकर ये जीरो, जीरो माइनस टू रहेगा, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टू इंटू वाई स्क्वायर बाई टू, टू से लेकर जीरो तक। जब आप यहां पर पुट करें लिमिट तो देखिए कितना आ रहा है, टेन इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस तीन माइनस टेन सिक्स थ्री, ये आया हमारे पास जीरो माइनस टू के बराबर, प्लस ये आया हमारे पास जीरो माइनस टू के बराबर। तो आप यहां से अगर देखो तो ये आ गया है क्या हमारे पास माइनस छ, ये है हमारे पास टोटल माइनस सिक्स और ये है माइनस फोर, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस टेन हो गया, यानी कि आप अगर वर्क डन को देखें यहां पर तो कितना आया टेन इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स और ब्रैकेट में है माइनस टेन, यानी आप देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया माइनस सौ इंटू टेन का पावर माइनस सिक्स जूल के बराबर। याद करो जो हमारे पास वर्क डन इन अभी जो निकाले थे हम लोग ओपी आया था, वर्क डन इन ओपी आया था, वो कितना था ओपी आया था जो, वो था प्लस ट्वेंटी इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स जूल। वर्क डन इन पी क्यू अगर बोला जाए तो वो आया था प्लस एटी इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स जूल। तो अगर नेट वर्क डन पूछेंगे ये कौन सा वर्क डन है हमारे पास, ये है क्यू ओ, तो नेट वर्क डन पूछेंगे तो सभी को ऐड कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3, आपको भी दिख रहा होगा ये दोनों का एडिशन 100 है, ये माइनस 100 है, तो फाइनल 0 आ जाएगा। याद करो हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ क्लोज पाथ, वर्क डन इन मूविंग अ मास इन क्लोज पाथ 0 होता था, कितना, यहां से अगर उठाकर इस पेन को उठाकर ये मैं वहीं पे वापस लाऊं तो वर्क डन हम लोग जो मिल रहा था या वर्क डन जो अपने पास था नेट वो जीरो हो रहा था, ठीक है। आओ बेटा देखो जरा, हम लोगों से कई बार पूछा जाता है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आपको एक आसान सा लॉजिक बताता हूँ, कई बार प्लस माइनस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप हमेशा लिख दीजिए इसे के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, हमेशा लिख दीजिए, लेकिन बस क्यू वन और क्यू टू को जो आप रखें उसको विथ साइन रखें, मतलब जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव रखें, आपका सवाल गलत हमेशा आंसर्स बनता आ जाएगा। चलिए ये तो हो गई छोटी सी बातें, अब आते हैं मान लो कभी कभार अपने पास कई बार अपने पास दिया जाता है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मान लीजिए हम लोग यही काम कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, इसको फील कराने का भी एक तरीका बताऊंगा, चलो फील कर ही लेते हैं उसके बाद ही करेंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास जिसके साइड है कुछ ए ए ए दिया हुआ, मान लीजिए हमारे पास चार्ज है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है, अभी हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं, अपने को पता है क्या इनफाइनाइट से आप लेकर आ रहे हैं, अगर इस स्पेस में कोई चार्ज नहीं है तो अपने को पता है कि कोई बात नहीं, आप लेकर आएंगे तो वर्क डन की वैल्यू जीरो लगेगी, क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप इसको लेकर आए मस्त, यहाँ से लेकर आए यहाँ पर रख दें, तो अभी लाने और रखने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो पहला अगर मैं वर्क डन लिखूं तो वो जीरो। अच्छा अब इस Q1 के कारण कुछ कुछ पोटेंशियल यहाँ पर आ गया होगा, जैसे कि आप ये पॉइंट नंबर बी पे अगर लाएं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसको मैं ए बी एंड सी लिख देता हूँ, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल है पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है के क्यू वन, वो के क्यू वन अपॉन अपॉन ए के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं क्यू टू को चार्ज को उठाकर यहां से इनफाइनाइट से लेकर आ रहा तो वर्कडन जो मुझे करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा, वो लगेगा क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि कितना लग जाएगा हमारे पास Q2 into K times of Q1 upon A के बराबर। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, K Q1 Q2 upon A के बराबर। अब देखो दोनों जगह पे पोटेंशियल, एक Q1 के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल ऑलरेडी था, कौन सा था, K Q1 upon A के बराबर,
अब Q2 को जैसे ही आपने यहां पर लाकर रख दिया, जैसे ही Q2 को आकर लाकर आपने यहां रख दिया, Q2 बोलेगा हमारे कारण भी पोटेंशियल ले लो भाई, तो ये Q2 अपॉन ए हो गया। अब Q3 को अगर आप लेकर आते हैं यहां पर रखते हैं, वर्क डन इन थ्री कितना हो गया है, वो हो गया हमारे पास के टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन ए प्लस के टाइम्स ऑफ Q2 अपॉन ए, ये पोटेंशियल हो गया मल्टीप्लाई बाय चार्ज कर, तो वर्क डन इन थ्री कितना हो गया, वो हुआ के टाइम्स ऑफ Q1 Q3 अपॉन ए प्लस के टाइम्स ऑफ Q2 Q3 अपॉन ए। एक बात नोटिस करना बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2 है और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 1 है बिल्कुल सेम ही है, आप यहां पर भी देखेंगे तो आपको उस बात का एहसास होगा। ठीक है, तो अगर अभी फिलहाल हम लोग नेट वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टोटल या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख देते हैं, तो टोटल वर्क डन है सभी को आप ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन ए मिलेगा। ए किसके बीच में का डिस्टेंस है, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, प्लस के के Q1 Q3 अपॉन ए प्लस के Q2 Q3 अपॉन ए। अगर मैं सपोज ऐसा बोल दूं कि ये Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस जो है ये 1 2 आप रख लो, क्योंकि 1 2 के बीच का डिस्टेंस है, 2 3 के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2 3 रख लो और 1 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 3 रख लो, तो 1 2 के बीच का डिस्टेंस A 1 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है A 1 3 और ये A 1 2 3। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर मैं बोला जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये किसके बराबर है, ये बराबर है U 1 2 प्लस U 1 3 प्लस U 3 कितना 2 3। मतलब पहला पोटेंशियल एनर्जी का आपने क्या देखा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी देखा, 1 और 2 के बीच में देखा, फिर 1 एंड 3 के बीच में देखा और फिर 2 एंड 3 के बीच में देखा। याद रखें बेटा हम लोग U 1 2 और U 2 1 बराबर है तो दोनों को बार बार नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कि प्लस U 2 1 भी लिखे, नहीं लिख सकते। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए मान लीजिए सबसे पहला सवाल दिया है हमारे से कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम कितना होगा अगर चार्ज क्यू 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 रखा हुआ है किसी डिस्टेंस ए ए ए पे। तो सबसे पहले यूएस निकाल सकते हैं, तो अपने को अभी हम लोगों ने देखा यू ऑफ द सिस्टम अगर निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, वो है U 1 2 प्लस U 1 3 प्लस U 2 3। इसी को हम लोग क्या लिख दिए थे जब सबको सिंप्लीफाई किए थे, तो हम लोग लिखे थे अभी 3 times KQ² अपॉन ए। ये तो पार्ट ए हो गया सवाल। अब बोला गया नाउ इट इज कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड so that its size reduces to A/2। इसका जो साइड है वो रिड्यूस कर जा रहा A/2। देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस सवाल के लिए, तो ये हमारे क्या है US 1 है, बोला गया कि इसको फोर्स लगाकर आप छोटा कर दे रहे। ठीक है, सो दैट A A A/2 सब हो जाए, वही चार्ज है यहाँ भी है। तो अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेकेंड स्टेट बोलूं तो ये वो कितना होगा बेटा, वो होगा 3 KQ² अपॉन A/2 के बराबर, यानी किसके बराबर हो गया ये 6 KQ²
अपॉन ए के बराबर हो, यानी वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू सिस्टम टू माइनस यू पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम वन के लिए। तो दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया ये सी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, 6 - 3 गया तो 3 आ जाएगा, ये हो गया। चलो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, अगर ये क्यू है क्यू है क्यू है, सभी सेम डिस्टेंस पे भी है, सभी सेम डिस्टेंस पे भी है, क्यू 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 है, सभी सेम डिस्टेंस पे भी है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी था वो हम लोगों ने निकाला कितना था, वो था हमारे पास 3 KQ² अपॉन ए के बराबर। एक और फॉर्मूला देता हूं बेटा कि यू ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू n/2 × U1 के बराबर। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ चार्ज जहां जितना रखा हुआ यहां पर। तो कैसे निकाले, देखो बेटा सभी सेम पोजीशंस पे रखें तभी ये फॉर्मूला हम लोग सकते हैं, आसान हो जाएगा। ये 1 है 2 है ये 3 है मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 1 कितना आ जाएगा, U12 + U13, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 1, यानी कि कितना आएगा बेटा ये KQ² / A के बराबर प्लस KQ² / A के बराबर, यानी कि हम लोग रख n की वैल्यू कितनी है 3/2, यहां पर कितना आया 2 times of KQ² / A के बराबर, यानी फाइनल आंसर आंसर कितना आया KQ² / A के बराबर, ये हो गया फाइनल आंसर, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना आया 3 KQ² / A के बराबर, यही लास्ट केस में भी जब हम लोग निकाले थे तब आया था। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, जब हम लोग काफी बड़े बड़े सवाल सॉल्व करने लग जाते हैं तब इसकी यूज होती है। ऑल दो यहाँ पे आप पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं, स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं जो दूसरा मेथड, दोनों से हम लोग ट्राई कर लेंगे। देखो मान लो स्क्वायर दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पर भी चार्ज दिया है क्यू 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 क्यू, ठीक है, इसका लेंथ कुछ एल 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 दे दिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालें पहले। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से यूज करें, फिर दूसरे से भी देखेंगे कि आंसर सही आता है कि नहीं। इस सवाल को बनाने के लिए भी हमें थोड़ा सा दिमाग शांत से देखें क्या है, यू ऑफ द सिस्टम बोला, तो कभी भी बोला हो तो हम लोग पॉइंट्स लिख लें, 1 2 3 4 लिख लें, यानी कि यहाँ पर कितना होगा U12 है ना, 1 का देखें, सभी को इंक्लूड कर ले क्योंकि पूरे सिस्टम का देखना है, 1 2 + U13 + U1, अब 1 का तो सब हो गया प्लस यू 21 लिख सकते हैं क्या, नहीं 1 2 ऑलरेडी आ चुका, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं U23 लिख सकते हैं, 2 4 कहीं पे है क्या, नहीं है, U24 प्लस U31 कहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं ऑलरेडी आ चुका, 3 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं 2 3 आ चुका, तो क्या लिख सकते हैं U34। ठीक है, अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं U12, इसको कितना लिख सकते हैं KQ² / L लिख सकते हैं प्लस 1 3, अब 1 3 के बीच का डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा √2 times of L के बराबर होगा, तो KQ² / √2L प्लस U14 किसके बराबर होगा KQ² / L के बराबर होगा प्लस U23, देखो 2 यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर, यानी KQ² / L के बराबर, 2 4 देखो डायगनली अपोजिट वाला पॉइंट, ये है 2 ये है 4, तो इसके लिए क्या लिखे 2 4 के लिए KQ² / √2L, U34 लिखो कहाँ के हैं, यहाँ है 3 यहाँ है, तो कितना हो गया KQ² / L के बराबर, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करें और देखें कितना आ रहा है, इसे आप सिंप्लीफाई करें और देखें कि कितना आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 एक जैसे टर्म, तो क्या लिख सकते हैं 4 times of KQ² / L प्लस 2 times of KQ² / √2L, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो क्या हमारा जो फॉर्मूला था उससे ये बातें हो सकती हैं क्या, जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी देखा था क्या वो ये भी बता देता है क्या, चलो जरा देख लेते हैं और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। तो मान लो अगर हम लोग इसमें लिखें तो यू ऑफ द सिस्टम क्या लिखना है, n/2, n कितना है हमारे पास 4/2 × U1,
U1, यानी इसको मैं लिख देता हूं दो, U1 कहां से कहां तक था बेटा, ये है मेरा U1 का टोटल एनर्जी, तो इसको कितना था, एक और ये दो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल 2 टाइम्स, और प्लस एक बाकी रहा था हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन √2L। ठीक है, जरा देखिए दोनों आंसर सेम है क्या, अगर आप दोनों आंसर को कंपेयर करें तो 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 है ये, 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पर 2 बन जाएगा, ये भी है, यानी दोनों तरीके से अपना आंसर सेम आ रहा। ठीक है, इसलिए दोनों तरीकों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा वो तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग बात करने लग जाते हैं किसकी, एक क्यूब की, क्योंकि क्यूब में बहुत एलिमेंट है और उन सब को लिखने लग गए हम लोग तो बहुत ज्यादा, 8 कॉर्नर्स हैं, अगर सब को लिखने लग गए तो हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकती है। इसलिए क्यूब के टाइम पे हम लोग जानबूझकर हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, उस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देखो तो यहां पर भी हर पॉइंट पे अपने पास चार्ज रखा है और सबका पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला है, ठीक है, ये भी क्यों है, तो कॉर्नर्स लिख देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी सभी का ए ले लेते हैं तो यू ऑफ द सिस्टम अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू ऑफ यू वन, तो सब कुछ बात अब किस पे आ गई है, U1 निकालने पे, बाकी तो आंसर बन जाएगा, तो U1 निकालते हैं हम। U1 किसको लिख सकते हैं आप, U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U15 प्लस U16 प्लस U17 प्लस U18, इतना आया। अच्छा अब निकालने चले इसको, देख तो 1 से 2 के बीच के क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए लिख सकते हैं, जब 1 से 3 की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2A बोल सकते हैं, 1 से 4 के बात करें, 4 उसके पास में है तो के क्यू स्क्वायर √2A, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए की बात कर सकते हैं, 1, 5, 5 कहाँ, ये अपोजिट डायगोनल में है, मतलब यहाँ भी आप √2 लेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 times of A, 1, 6, 1, 6, 6 कहाँ पर है, ये तो पास में ही है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए ले लेते हैं, या एल, एल था ना, ए था, ए रख लेते हैं। अच्छा 1, 6 हो गया, 1, 7 भी देखो तो डायगनल पे ही है, यानी इसको अगर हम लोग लिखें तो ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 times of A के बराबर है, 1, 8 की बात करें, ये वाला डायगनल तो इसका लेंथ कितना होता है, √3 times of A के बराबर, तो इसको आप लिखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √3 times of A के बराबर, यानी अगर हम लोग सबको देखें काउंट करें तो सेम टाइम के टाइप के टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3 है ना, तो 3 है हमारे पास, यहाँ पे 8/4 लिख देते हैं, 8/4 लिख देते हैं, और 3 है हमारे पास 3 times of KQ square upon A प्लस प्लस। दूसरा देखते हैं √2 times वाले कितने हैं, 1, 2, 3 है, यानी 3 times of K, ये 2 था ना, 4 बच जाएगा, तो KQ square upon √2, उसके बाद क्या है, KQ square upon √3A, ये हो गया आंसर, यानी कि अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम लोग हटाकर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, 8/2। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लीजिए बेटा अपने पास ऐसा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये रखा हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल है मतलब चार्जेस भी होंगे, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू रख लिया, यहाँ पे क्यू रख लिया, दोनों के बीच का सेपरेशन को 2A ले लिया, सो दैट कैलकुलेशन में अपना आसानी हो जाए, तो दोनों के बीच का सेपरेशन को 2A ले लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये ए और ए के बराबर। अगर डायपोल की बात की जाए तो डायपोल कहां से किधर है, माइनस से प्लस की तरफ है, पी
और डाइपोल की वैल्यू क्या है, पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ टू ए के बराबर। चलिए अब यहां पर किसी एक डिफरेंट पॉइंट पे, कोई एक डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग पी, जिस पे अपने को डाइपोल के कारण पोटेंशियल देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इस पॉइंट पी को कनेक्ट करते हैं यहां से, ठीक है, कनेक्ट करा, इधर से भी कनेक्ट करा, बाकी दोस्त को भी कनेक्ट कर दो। और यहां से भी देखो बेटा, ये डिस्टेंस आर हमें दिया होता है, ये डिस्टेंस आर हमें दिया होता है, सिर्फ ये डिस्टेंस पता है। अच्छा, तो अब क्या करें सर, कैसे निकाला जाएगा डाइपोल, उसी बात को हम समझते हैं। डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए हमें, डाइपोल के लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज से कितना डिस्टेंस वाले पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं वो पता होना चाहिए। तो मान लिया ये पॉइंट ओ है, ये पी है, इसको ए ले लेते हैं, उसको बी ले लेते हैं। तो अगर पी को आप देखें अब और सोचें कि क्या किया जाता, अपने को डिस्टेंस ही चाहिए, अपने को बेसिकली अगर पोटेंशियल ड्यू टू बी निकालना है तो हमें क्या चाहिए, के क्यू अपॉन पी बी चाहिए। अगर पोटेंशियल ड्यू टू ए निकालना है, ए पे जो चार्ज है तो वो है माइनस के क्यू अपॉन पी, ए पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए सो दैट, अ परपेंडिकुलर क्योंकि है, परपेंडिकुलर क्योंकि है तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। मतलब ये जो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि पीबी और पीएम दोनों बराबर हैं, पीबी और पीएम दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर पीएम अपन निकालने तो निकल सकता है, पीएम तो निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास पी से ओ तक का माइनस ओ से एम तक का, तो पी से ओ तक का डिस्टेंस है हमारे पास आर माइनस ओ एम। क्या हो सकता है, अगर ये एंगल बेटा, चलो इसको थोड़ा सा डायपोल को समझ लेते हैं हम लोग की वहां पर होगा, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा इधर है हमारे पास, तो ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो ए का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट अगर देखा जाए, ये कंपोनेंट देखा जाए, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस अगर देखा जाए, ये डिस्टेंस देखा जाए, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा ए कॉस थीटा के बराबर, यानी कि r माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम लोगों को अब ए बी, ए और p बताना है, ठीक है, a और p बताना है, तो कैसे बताएं बेटा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें और यहां से वापस से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करें, वापस से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करें, ठीक है, परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने से क्या करा हम लोगों ने, कि अगर हमें पी ए बताना है तो हम लोग क्या बता दें, इसको मान ले एल ले लिया, पी एल लिख देते हैं, यानी कि पी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया पी ओ प्लस ओ एल के बराबर हो गया, यानी कि ये हो गया आर। अब इसका ये थीटा था तो ये भी एंगल थीटा ही था, ये भी ए ही है, तो ये जो डिस्टेंस निकला है ये भी कितना होगा, ए कॉस थीटा के बराबर ही, प्लस ए कॉस थीटा, यानी कि अगर हम लोग नेट पोटेंशियल एट पी निकालें तो कितना हो सकता है, के क्यू को कॉमन ले ले, आ जाएगा वो वन डिवाइडेड बाय पी बी की जगह पे लिख सकते हैं क्या, आर माइनस ए कॉस थीटा, और इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस वन बाय आर प्लस ए कॉस थीटा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो पोटेंशियल एट पी कितना आ जाएगा, के क्यू, ये आएगा हमारे पास पोटेंशियल एट पी, ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू, के क्यू डिनोमिनेटर में तो आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है,
यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो ट्वाइस ए कॉस थीटा आ जाएगा, ट्वाइस ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो क्यू और टू ए किसको बनाएगा, ये डाइपोल बनाएगा, यानी डाइपोल क्या आ गया, ये आया के टाइम्स ऑफ पी पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डाइपोल क्या आया था बेटा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए आया था। अच्छा ये भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा की वैल्यू, इसी में केस वन ले लेते हैं, मान लो थीटा की वैल्यू, मान लो थीटा की वैल्यू आपने रख दिया 0 डिग्री, तो जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू 0 रखा तो पोटेंशियल एट पी कितना हो गया, पोटेंशियल एट पी, अब पॉइंट 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, पॉइंट कहीं यहां पर आ जाएगा है ना, अलोंग द एक्सिस आ जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री रख दिया, सेकंड केस, सेकेंड केस थीटा की वैल्यू 90 रख दिया, तो पोटेंशियल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 हो। ठीक है, इन जनरल अगर हमें लिखना है, इन जनरल अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखना है, इन जनरल और शॉर्ट डाइपोल के लिए, इन जनरल लिखना है शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का क्या कंडीशन है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ए की वैल्यू बहुत 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 छोटी आर के बराबर होती है, तो पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। देखो बेटा पी डॉट आर क्या हो जाएगा, पी आर कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आर क्यूब, एक एक आर कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा क्या, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ये इन जनरल फॉर शॉर्ट डाइपोल हो गया। ऑलराइट, ये वाला एक्चुअल हो गया। ये एक्चुअल हो गया। ठीक, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। मान लीजिए हमें पॉइंट, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो अभी के टाइम पे इस जगह का पोटेंशियल कुछ वी वन है और यहाँ का पोटेंशियल कुछ वी टू है। मान लीजिए हम लोग एक चार्ज लेकर आते हैं इनफाइनाइट से, एक चार्ज क्यू वन को लेकर आते हैं, क्यू वन को लेकर आते हैं और इस जगह रखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा वर्क डन मिल जाएगा हमें करने को, पहला वर्क डन होगा वो क्यू टाइम्स क्यू वन टाइम्स वी वन के बराबर होगा। अब यहां पर आप चार्ज लेकर आकर रह गए, नेक्स्ट अपने को क्यू वन लेकर आ गए हैं, अब अपने को क्यू टू को ही चार्ज लेकर आना है, तो उसके लिए एक पोटेंशियल ऑलरेडी यहां पर था और दूसरा जब आप लेकर आएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल एक और हो जाएगा इस वाले चार्ज के कारण। मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर मैं इस टाइम पे आर लिख देता हूं, तो वर्क डन टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्यू टू इंटू वी टू, एक तो जो पहले फील्ड के कारण जो पोटेंशियल था उसके कारण, और दूसरा हो जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर के बराबर, अपॉन आर के बराबर। तो ये हो जाएगा इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी अगर टोटल का नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, क्यू वन वी वन प्लस क्यू टू वी टू प्लस के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर के बराबर, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 6 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट -3 सेंटीमीटर कॉमा जीरो एंड 3 सेंटीमीटर कॉमा जीरो रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर ई इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर एंड आर ए की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके जैसा है, लास्ट जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े कि कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हुआ था, वो होता क्यू वन इंटू वी वन प्लस
क्यू टू इंटू वी टू प्लस के टाइम्स ऑफ क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन अपॉन आर सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, आर सेपरेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं क्योंकि अपने को पता है दो चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है। देखो बेटा ये अपना ओरिजिन है, ये माइनस थ्री है, तो यहाँ पर माइनस थ्री सेंटीमीटर है ये, और ये प्लस थ्री सेंटीमीटर है। तो हमारे पास चार्जेस कहाँ कहाँ रखेंगे, टू चार्ज प्लेस डेट इतना, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर छः माइक्रोकुलम है, यहाँ पे माइनस दो माइक्रोकुलम। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल देते हैं, तो के इसका पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग, तो के कितना आ जाएगा, ये क्यू वन, क्यू वन की वैल्यू हमारे पास छः माइक्रो टेन का पावर ऑफ माइनस माइनस सिक्स, और ये हो गया माइनस टू इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का सेपरेशन छः सेंटीमीटर आसपास हो जाएगा, तो इसको 0.06 हम लोग ले सकते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हटा देते हैं, टेन का पावर ऑफ माइनस टू ले लेते हैं, और के को हम लोग रख सकते हैं नाइन इंटू टेन का पावर ऑफ नाइन इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया बारह, बारह क्यों ही करना है, रुको, छः इंटू दो, छः इंटू दो, और टेन का पावर माइनस टेन आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिक्स, तो सिक्स ने सिक्स को उड़ा दिया, सिक्स ने सिक्स को उड़ा दिया, तो ये हो गया 1.8 विथ अ माइनस टेन, तो माइनस 1.8 आया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे चर्चा करने, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें चेंज इन पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू पता है माइनस ई डॉट डी आर होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये इंटीग्रेट कर देते हैं, जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल हम लोग लिख देते हैं चेंज इन पोटेंशियल, तो इसको डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक लाना है, कहाँ से कहाँ तक लाना है वो हम लोग चाहो तो लिख सकते हैं, कहाँ से इनफाइनाइट से लेकर आर तक लेकर आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है कॉन्स्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को निकालना है, तो ये है आर का पावर माइनस टू डी आर, और ये है इनफाइनाइट से लेकर, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये है वी पोटेंशियल, वी एट इनफाइनाइट जीरो हो गया, तो माइनस इसका माइनस माइनस कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देख लो, ये आ जाएगा बेटा ए बाहर माइनस, यहाँ पर आर बन जाएगा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन बन जाएगा वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्म अपने को पता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता है, ये आ गया इनफाइनाइट से लेकर आर तक, इनफाइनाइट रखने का तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो जीरो ही हो जाएगा, यानी पोटेंशियल हम लोग किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं, क्या पोटेंशियल हम लोग किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू ए अपॉन आर लिख सकते हैं। तो अब चलो वी वन लिख देते हैं, पहले जल्दी से वी वन लिखते हैं फिर हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छा हम लोग यहाँ पर वी वन लिख लेते हैं, वी वन, वी वन का पोटेंशियल अगर हम लोग लिखें तो वी वन कितना आ जाएगा हमारे पास, वी वन की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाई, वी वन की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तीन सेंटीमीटर, मतलब 0.03 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पोटेंशियल ए का। सिमिलरली टू का भी पोटेंशियल सेम ही रह जाएगा, ठीक है, टू का भी पोटेंशियल सेम ही आ जाएगा क्योंकि ए भी कॉन्स्टेंट है और डिस्टेंस भी दोनों का कॉन्स्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक दोनों तीन सेंटीमीटर ही है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अब हम लोग लिखते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्यू वन, क्यू वन हमारा कितना है, क्यू वन हमारा कितना है, छ माइक्रो, ठीक है, क्यू वन है छ माइक्रो, तो लिख दिया छ माइक्रो का टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स, ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू है हमारे पास टू इंटू टेन का पावर ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई, यहां पर आया थ्री इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस टू, माइनस टू, दूसरे का पोटेंशियल आ गया चार्ज, चार्ज है माइनस टू, तो टू लिख दिया माइनस, इधर आ गया टेन का पावर ऑफ माइनस सिक्स इंटू, यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास टू इंटू टेन का पावर ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आया हमारे पास थ्री इंटू टेन का पावर ऑफ माइनस टू, और इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 1.8 के बराबर, तो इसको सिंप्लीफाई करें जरा, इसको सिंप्लीफाई करें जरा, इसको सिंप्लीफाई करें जरा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या क्या कट रहा, ध्यान से देखें, ये चला जाएगा सात
ये चला जाएगा यहाँ से 2 से, तो ये आई गेस आ जाएगा 40 माइनस, यहाँ से ये चला जाएगा 7, यानी 40/3, 40/3 ये आ जाएगा नीचे, 40/3 आ जाएगा, -1.8 के आसपास आ जाएगा, -1.8। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग लगभग ये 24.9 आसपास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर।